मेरा नाम लिया उन्होंने तो पॉइंट ऑफ पर्सनल मुख्तसर बस एक मिनट साना बोलो साहब आपने शुक्रिया शुक्रिया जनाब शुक्रिया जनाब स्पीकर मेरे मोहतरम दोस्त असगर साहब उम्र में मुझसे बड़े हैं रोज़ा अगर उनको लगा हुआ है मुझे इस बात का इलम नहीं है मैंने शुरू ही आइन के आर्टिकल 172 शिक 3 से किया जिसमें अक्के मिल्कियत की बात की गई है मैंने अपनी दूसरी बात जो की मैंने वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव का उनको बताया दूसरी बात उनको मुआहदे के खदुखाल वो शायद पढ़ते नहीं हैं मैं कोई भी चीज़ होता है ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने प्लेट में मुआहदा रखें आप इंतज़ार करें और आप ये महीना एक महीना पहले थे असम्बली में मुझसे पहले थे आप ये बात कर सकते थे आपने आज तक नहीं कि मेरे करारदाद के इंतज़ार में एक मिनट असगर साहब एक मिनट जनाब आपने बात की मैंने बात नहीं की मैंने अब बात नहीं की अब आप मेरी बात सुने जनाब जनाब स्पीकर ये सारे अखबार दिन से लेके आज तक अखबारात पड़े हैं एडिटोरियल्स लिखे गए हैं आर्टिकल्स लिखे गए हैं ये मिस असमा सलीम मलिक साहबा हैं डिप्टी जनरल मैनेजर लीजिंग लिस्टिंग डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा था स्टॉक एक्सचेंज को जिसमें उसने जिक्र किया था इनको एक और मालूमात भी नहीं है दो मिनट के लिए जब इंसान लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है मैं एक चीज पढ़ूंगा इनकी मालूमात के लिए सना बलोच साहब आपने सर ये एग्रीमेंट फाइनल नहीं है एक मिनट मैं समझाता शायद इनको इतनी लमोगी दोस्तों को रोजा है मैं किसी झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता द प्रोसेस टू फाइनलाइज एंड अप्रूव डेफिनेटिव एग्रीमेंट इंक्लूडिंग द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द फिस्कल रिजीम pursuant to the mineral agreement would involve legislative and judicial validation ab jinabe wala agar aap koi thoda sa akhbar jaan ke pad liya aap intezar mein rehte hain koi ut takreer kare aap ulta ek negative apna bayaniya de dete hain main aapko bataun ki is waqt is agreement ko apne final shakal mein aane ke liye iske liye assembly ki kanun saazi ki zarurat hogi number 1 नंबर दो इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज होने के लिए इसीलिए तो मैं जनाबे वाला अब सना बलोच एक दिन असेंबली में नहीं आया तो आप लोगों के मुंह में भी तो कोई चने तो नहीं है आप लोग भी बलोचिस्तान के अक्के लिए बोल लिया करें साढ़े तीन साल में जाम साहब के साथ आप थे जाम साहब ने एक कंपनी बनाई उसने तो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का नाम इससे निकाल दिया था आपने उस वक्त वहां पर बात नहीं की अब देखें मुझे मेरा मैं बलोचिस्तान में नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता गलत बात नहीं करना चाहता एक बात मैं बताऊं अच्छा दूसरी बात यह है जुडिशियल वैलिडेशन क्या है जिनाबे वाला अगर आपको याद होगा 2013 में रेकोदे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि तैतान कंपनी के साथ जो चिवाजा बनाता चागी इल जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट वो गलत है लहजा उसको भी आपने रिवर्स करना है इसको आपने अदालतों में जाना है ये अभी तो खेल शुरू हुआ है तो जब शुरू हुआ है हम इसमें असगर खान साहब कंस्ट्रक्टिव अपना फार्मूला दें तजवीज दें हर वक्त नेगेटिव होने की परसेंटेज की बात नहीं करेंगे तो किस चीज की मतलब आप बताएं 50% है इसमें आईन ने लिखा है 50% तो आप आईन को भी गलत कहें अब जब आपका शुक्रिया सना बलोच साहब आईन में 50% तय हुआ है तो मैं इसको कहूं क्या 200% शुक्रिया सना बलोच साहब तो मैं जनाबे वाला असगर खान मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है चीजों को कभी कभी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिवली लिया करें हम बलोचिस्तान के इस मामले पे चाहते हैं कि अगर हमसे पहले गलतियां हुकूमतों से हुई है अभी आने वाली हुकूमतों से कोई गलती ना हो आने वाली हुकूमत तो जनाबे वाला मेरे ख्याल में आप फ्लोर दूसरे दोस्तों को दे दे थैंक यू वेरी मच शुक्रिया मैं ये कहता हूं अच्छा जी साहब आप बैठ जाएं तशरीफ रखें जनाब स्पीकर ये बात तो करने दे घंटा घंटा हर एक चीज पे बात करना ये कोई तरीका नहीं आप बात मेरी बात सुनिए मेरे ख्याल से रोजे आप लोगों को लग रहे ऑर्डर इन द हाउस सरदार केतरान साहब मुख्तसरन दो मिनट बात करें सलाह बोलो साहब तशरीफ रखिए आप दोनों तशरीफ रखिए सर लोग भी जिम्मेदारी ले ले यार बात सुन ले